नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल, देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। स्त्री 2 के रिलीज होने के बाद से हर किसी को सरकटे की तलाश है। पूरा देश जानना चाहता है कि स्त्री के साथ पंगा लेने वाला ये सरकटा आखिर कौन है, लेकिन अब तक ना ही मेकर्स ने इस बात का खुलासा किया है और ना ही फिल्म के एक्टर्स ने। लेकिन हम आपके साथ सबसे पहले सिरकटे का राज खोलने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्त्री 2 में जिस सिरकटे के साथ शूट किया गया है वो चेहरा असली चेहरा नहीं बल्कि प्रोथेस्टिक मेकअप आर्टिस्ट की टीम का बनाया हुआ एक चेहरा है। जी हाँ, हमें मिली जानकारी के मुताबिक मेकर्स ने सिरकटा का स्केच बनाया और ये स्केच बनाने के बाद एक ऐसे इंसान की तलाश की गई जिसका चेहरा सिरकटा के VFX वर्जन के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर क्या था, एक स्पोर्ट्समैन की प्रोफाइल इस सिरकटे से मैच हो रही थी, उन्हें बुलाकर उनके चेहरे की मदद से एक प्रोथेस्टिक चेहरा बनाया गया और फिर इस चेहरे को सिरकटे के लुक में तैयार किया गया। यानी इस प्रोथेस्टिक चेहरे के साथ VFX और CGI के सही इस्तेमाल से सिरकटा जैसा दानव फिल्म के लिए बनाया गया। स्त्री 2 से पहले मेकअप आर्टिस्ट आतिश और उनकी टीम ने मुंजिया और ककुदा पर भी काम किया है। मुंजिया में उन्होंने शर्वरी वाघ के लिए प्रोथेस्टिक बनाए थे और ककुदा का किरदार निभाने वाले महेश जाधव के लुक पर भी उन्होंने काम किया था। दरअसल हॉरर कॉमेडी में हमेशा प्रोथेस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। VFX और CGI जैसे कई तकनीक के आने के बावजूद अपना आर्ट वर्क असरदार बनाने के लिए मेकर्स ज़्यादातर समय ट्रेडिशनल प्रोथेस्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से।